दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है। भारत के इन विशाल किलों ने कई महान राजाओं और भयंकर युद्धों को देखा है। दोस्तों, वैसे तो भारत में आज के दिन हजार से भी ज्यादा किले हैं, लेकिन उनमें से कुछ इतने विशाल है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत के ये किले विशाल होने के साथ साथ भव्य और वास्तुकला से भी भरपूर है, जो कि देश विदेशों से आने वाले पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको ऐतिहासिक वास्तुकला और अतीत की खोज करना पसंद है तो ये भारत के विशाल किले आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि आपको कई ऐतिहासिक युगों की यात्रा पर ले जा सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में ऐसे ही विशाल किलों की बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, मेहरानगढ़ किला। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर शहर में 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ किला। और आपको बता दें कि इस किले की गिनती भारत के सबसे बड़े किलों में आती है, जो कि लगभग 1200 एकड़ के विशाल एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, मेहरानगढ़ किला 68 फीट चौड़ी और 117 फीट लंबी दीवार से सुरक्षित है। और दोस्तों, इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है। दोस्तों, अगर आप इस किले की यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच में जाएं। और यह किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और दोस्तों, अगर एंट्री फीस की बात करी जाए तो अगर आप भारतीय पर्यटक है तो आपके 60 रुपए और अगर आप विदेशी पर्यटक है तो आपको 400 रुपए चार्ज करने होंगे। नंबर 2, ग्वालियर का किला। दोस्तों, ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। आपको बता दें कि ग्वालियर किला एक भारत के सबसे बड़े किले और महत्वपूर्ण किलों में से एक है। इस किले का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था और तब से लेकर अब तक कई राजाओं ने मुगलों और ब्रिटिशों के साथ मिलकर इस जगह पर राज किया था। दोस्तों, इस किले को लेकर कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने कहा था कि यह किला हिंद के गले के मोती के समान है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस किले का इतिहास बहुत पुराना है, इसी कारण इतिहास प्रेमी और पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इस किले को बहुत ही रक्षात्मक तरीके से बनाया गया है और इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर संरचनाएं भी की गई है। वैसे तो दोस्तों, ग्वालियर के किले की सुंदरता और विशालता का वर्णन करना शब्दों में बहुत ही मुश्किल है, और यदि आप इस विशाल किले की भव्यता से रूबरू होना चाहते तो एक बार यहाँ घूमने जरूर जाएं। और आपको बता दें कि अगर आप इस किले को देखने जा रहे हैं तो सोमवार को न जाएं, क्योंकि यह किला सोमवार को छोड़कर रोज सुबह 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और यहाँ की एंट्री फीस की बात की जाए तो अगर आप भारतीय पर्यटक है तो 75 रुपए और अगर आप विदेशी पर्यटक है तो 250 रुपए चार्ज होगा। नंबर 3, लाल किला। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है लाल किला, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में 254 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। आपको बता दें कि लाल किला भारत का तीसरा सबसे बड़ा किला है और लाल किला उन स्मारकों में से है जिनका इतिहास 17वीं शताब्दी का है, और इसे लाल पत्थरों से बनाया गया है और दोस्तों इसीलिए इसे लाल किले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अष्टकोणीय आकार का यह किला फारसी और भारतीय वास्तुकला का एक आकर्षण संयोजन है। दोस्तों, भारत के सबसे विशाल किलों में से एक लाल किले के अंदर बहुत सी ऐसी संरचनाएं हैं जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। और आपको बता दें कि इस किले को भारी हमले से बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक विशाल दीवार बनाई गई है, और किले में प्रवेश के लिए दो मुख्य द्वार है जिन्हें लाहौर गेट और दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस किले की खूबसूरती और भव्यता को देखने के लिए आपको एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो सोमवार को छोड़कर रोज सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक यह पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और अगर इसकी एंट्री फीस की बात की जाए तो अगर आप भारतीय पर्यटक है तो आपके लिए 35 रुपए और अगर आप विदेशी पर्यटक है तो 500 रुपए चार्ज होगा। नंबर 4, गोलकोंडा किला। दोस्तों, हैदराबाद के हुसैन झील से लगभग 9 किलोमीटर दूर पर स्थित है गोलकोंडा का किला। दोस्तों, ये किला भी भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है और आपको बता दें कि इस किले का निर्माण 1600 के दशक में पूरा हुआ था। यह किला बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य है, जो कि 400 फीट की पहाड़ी पर 7 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ है। दोस्तों, यह किला हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। और आपको बता दें कि इस किले में 8 गेट और 87 गढ़ हैं, और इसी बात से पता चलता है कि यह किला कितना विशाल होगा। और इस किले का मुख्य द्वार 13 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा है। दोस्तों, इस किले की खास बात यह है कि अगर आप इस किले के तल पर ताली बजाते हैं तो उसकी आवाज सिर्फ ऊपर सुनी जा सकती है। गोलकोंडा किला अपनी वास्तुकला, इतिहास और रहस्यों के लिए जाना जाता है।
अगर दोस्तों आप इस किले को देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के मध्य में जाएं और यह सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। नंबर 5, चित्तौड़गढ़ का किला। दोस्तों 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों द्वारा निर्मित चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। यह किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और ये 692 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। और आपको बता दें कि यह किला एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है जो कि इस किले के साथ 13 किलोमीटर तक साथ चलती है। और दोस्तों यह किला एक साइड से पहाड़ों से भी घिरा हुआ है जो कि इसे एक साइड से हमलों से मुक्त बनाता है। और दोस्तों इस किले के अंदर जो विजय स्तंभ स्थित है वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है और यह किला उत्तर भारत के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण किलों में से एक है। दोस्तों अगर आप इस बार ऐसी यात्रा के बारे में सोच रहे हैं कि जो आपको रोमांच से भर दे तो चित्तौड़गढ़ का किला आपकी यात्रा के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। और दोस्तों अगर आप इस किले को देखने जा रहे हैं तो अक्टूबर से फरवरी के मध्य में जाएं और यह सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और अगर इसकी एंट्री फीस की बात की जाए तो अगर आप भारतीय पर्यटक है तो 150 रुपए और अगर आप विदेशी पर्यटक है तो 330 रुपए चार्ज होंगे। नंबर 6, कांगड़ा किला। दोस्तों कटोच राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े किले के रूप में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि यह किला लगभग 3500 साल पुराना है। भारत के विशाल किलों में से एक कांगड़ा किला लगभग 463 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दोस्तों आप जब भी इस किले की यात्रा करोगे तो इस किले के अंदर संग्रहालय को देख सकोगे जो कि 19वीं शताब्दी की कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों हालांकि ये किला अब ज्यादातर खंडर हो गया है लेकिन फिर भी वहाँ खड़े होकर हम इस महल की शाही ढांचे की परिकल्पना कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस किले की यात्रा करना चाहते हैं तो मार्च से जुलाई के मध्य में जाएं और यह किला सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और अगर एंट्री फीस की बात की जाए तो अगर आप भारतीय पर्यटक है तो 150 रुपए और विदेशी पर्यटक है तो 330 रुपए चार्ज होंगे। नंबर 7, जैसलमेर का किला। दोस्तों जैसलमेर का किला भारत के प्रमुख किलों में से एक है। राजस्थान राज्य के जैसलमेर में एक पहाड़ी पर स्थित जैसलमेर का किला दुनिया के सबसे बड़े और जीवित किलों में से एक है जो कि अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए जाना जाता है। दोस्तों यह किला पीले पत्थरों से बना हुआ है जो कि सूर्यास्त के समय चमकता है और किसी सोने के पिघलने की तरह दिखाई देता है, इसीलिए आमतौर पर इसे स्थानीय लोग सोनार किले के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसके अंदर की सुंदरता और इसका इतिहास पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। और दोस्तों अगर आप इस किले की यात्रा करना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के मध्य में जाएं और यह प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। और अगर इसकी एंट्री फीस की बात की जाए तो अगर आप भारतीय पर्यटक है तो 50 रुपए और अगर आप विदेशी पर्यटक है तो 250 रुपए चार्ज होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी भारत के इन विशाल किलों के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।